Good evening and welcome everyone to this live session. I'm Jatin Verma. So guys, we are here for the daily news analysis of 28th of February 2020. तो आज के DNA में के जो important news articles हैं उनको analyze करेंगे in next 1.5 hours or so. So let's get started. आज के important news articles हैं नमामि गंगे से related और काफी other news articles are there. So inaccurate says India as criticism mounts. तो पाकिस्तान जो allegations level कर रहा है India के against उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है. देन देयर इज एन एडिटोरियल दैट टॉक्स अबाउट द एफिकेसी ऑफ आधार इन सो फार एज द डिलीवरी ऑफ द स्कीम्स इज कंसर्न. पब्लिक सर्विस पब्लिक सेक्टर जो स्कीम्स हैं उनके लिए जो आधार को इंटरलिंक किया गया है उससे जुड़ा एक एडिटोरियल है, उसको एनालाइज करेंगे. आधार नो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस परफॉर्मर इन द वेलफेयर डिलीवरी. आधार इज नॉट अ काइंड ऑफ पेनेशिया फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग फेस्ड इन द welfare schemes delivery. Then this article is also important. What should India's joint command structure look like? Now one by one we will analyze these things because I am doing the DNA on Unacademy's new YouTube channel since last 2 months 3 months. November 2019 se ye DNA regularly chal raha hai without even a miss for a single day except for Sundays. To Unacademy ki ek to hamari jo magazine aa rahi thi Jatin Verma's IAS Academy ke naam se, आप लोग आई एम श्योर आप लोग अपनी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा एनग्रॉस्ड हैं, बट बताना चाहूँगा कि अब ये मैगज़ीन अभी भी कॉन्टिन्यूड है www.jatinverma.org के नाम वेबसाइट जो है हमारी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे. बट इसका नाम अब जो है आर्टिकुलेट चेंज कर दिया गया है ताकि वाइडर स्केल पे इसे पब्लिश किया जा सके. तो Unacademy के रूब्रिक के अंडर Unacademy नेम के अंडर इस मैगज़ीन को लाया जा रहा है. The editor remains the same and the quality of analysis also remains the same. तो आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि magazine if comes in the English language, the same quality of analysis is being maintained for both facts plus analysis. You can download this magazine from my website www.jatinverma.org. Now, these are the articles which we are going to deal with. First of all, ये छोटे जो आर्टिकल्स हैं इनके बारे में डील कर लेते हैं. ये कोरोना वायरस से रिलेटेड ये आर्टिकल है. द वायरस मार्चेज ऑन. वायरस अभी भी फैलते जा रहा है. तमिलनाडु में 2 केसेस आए हैं. राइट नाउ देन अ ब्राउनिंग ईस्ट. दिस आर्टिकल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसको भी थोड़ा सा डील करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आधार वाला जो आर्टिकल है उसको डील करते हैं. यस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट वार्निंग for eastern ghats underscores the need for forest protection. India is committed under the ye article ye kehta hai ki India ki jo commitments hain Paris agreement ke under on climate change to create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons through enhanced forest and tree cover, yet forest protection policies have often failed dismally. By some estimates eastern ghats have shrunk by 16% over the past century. And just one region, that is Papikonda National Park, lost about 650 square kilometer in 2 decades from 1991. So 1991 से लगभग जो हमारा forest cover है eastern ghats हैं वो they have shrunk over the past century by 16%. Relieving the pressure on forest can be done through policies that reduce extraction of scarce resources, यानी कि कोल एक्सट्रैक्ट करने के चक्कर में या पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करने के चक्कर में फॉरेस्ट के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उसे हमें रिड्यूस करना होगा. स्कीम्स फॉर रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट पेरिफेरीज थ्रू इंडिजिनस प्लांट्स एंड ट्री स्पीशीज मार्चिंग मैचिंग द नेशनल कमिटमेंट्स. पेरिस क्लाइमेट डील के अंडर जो हमारी नेशनल कमिटमेंट्स हैं उनको मैच करते हुए हमें रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट पेरीफ्री स्कीम्स लानी होंगी इसके लिए. ये एक ओवरव्यू ले लेते हैं. नाउ कमिंग टू दिस आर्टिकल आधार नो स्टैंड आउट परफॉर्मर इन वेलफेयर डिलीवरी. तो झारखंड में की गई एक एम्पेरिकल स्टडी के तहत ये पाया गया है कि आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन डिड नॉट रिड्यूस पीडीएस लीकेजेस कुछ भी हद तक कोई रिड्यूस नहीं हुई. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लीकेजेस जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत करी जाती हैं तो वो कोई लीकेजेस झारखंड में नहीं पाई गई डिस्पाइट दी फैक्ट दैट आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वॉज ब्रॉट अबाउट. दिस एक्सटेंसिव एम्पेरिकल स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ आधार इन रिड्यूसिंग लीकेजेस एंड
accruing fiscal savings is published in the prestigious National Bureau of Economic Research. This new research paper, the first comprehensive field study of Aadhaar, offers a sobering counter to all of us, Aadhaar files, who truly believe that Aadhaar was the panacea for India's leaky welfare regime. तो इंडिया में हम सभी जानते हैं कि लीकेजेस होती हैं, स्कीम्स लाई जाती है गरीबों के लिए, बट गरीबों को उनके बेनिफिट्स नहीं मिलते, राइट? तो इसलिए ये सब चीजें जरूरी हैं, राइट? तो इसलिए अभी ये जो आधार को पैनेशिया माना जा रहा है, 100 रोगों की एक दवा, ये नहीं माना जाना चाहिए. दिस मिथ नीड्स टू बी करेक्टेड. द रैशनल बिहाइंड आधार, अ यूनिक आइडेंटिटी बायोमेट्रिक स्कीम कैन एलिमिनेट लीकेजेस एंड वास्टली इम्प्रूव द एफिशिएंसी इन द वेलफेयर डिलीवरी. इंडिया स्पेंड्स नियरली 3 trillion रुपीज अ ईयर अक्रॉस सेवरल कोर वेलफेयर प्रोग्राम सच एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एलपीजी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एटसेट्रा. रफली 30 to 40% ऑफ दिस इज लॉस्ट इन लीकेजेस, एंड लीकेजेस आर लार्जली ड्यू टू घोस्ट बेनिफिशरीज, कुछ ऐसे बेनिफिशरीज जो हैं ही नहीं, राइट? एंड ड्यूप्लीकेट बेनिफिशरीज यूजिंग फेक आइडेंटिटीज टू अवेल दीज बेनिफिट्स. तो ये सब चैलेंजेस हैं. अ साइंटिफिकली डिजाइंड स्टडी ऑफ द पीडीएस सिस्टम, द स्टडी ऑफ द पीडीएस सिस्टम इन झारखंड कवरिंग 15 million बेनिफिशरीज यूजिंग द टेक्निक ऑफ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स. The results were then compared to see if Aadhaar-based biometric authentication had any impact in reducing leakages. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि randomized control trial होता क्या है. What is the meaning of randomized control trial? RCT is an experiment that is designed to isolate the influence that a certain interventions or variables have on the outcome. यानी कि अगर झारखंड में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बेनिफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर आधार की इंटरवेंशन लाई जा रही है, आधार को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो ये देखा जा रहा है कि अगर आधार इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या हो रहा है, और आधार नहीं इम्प्लीमेंट किया जाए झारखंड में तो कितनी लीकेजेस हो रही हैं, राइट? तो सोशल साइंस रिसर्चर हु वॉन्ट्स टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉइंग मोर टीचर्स इन स्कूल्स हैज ऑन, मतलब अगर कोई सोशल रिसर्चर ये देखना चाहते हैं कि क्या इफेक्ट होगा अगर हम ज़्यादा टीचर्स को अपॉइंट करते हैं स्कूल्स में. फॉर इंस्टेंस कैन कंडक्ट अ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल टू फाइंड आउट द आंसर. मतलब वो क्या करेंगे कि टीचर्स अगर ज़्यादा लगाए जाएं तो क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, अगर टीचर्स ज़्यादा ना लगाए जाएं तो क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं, तो बच्चों के शिक्षा स्तर में, एजुकेशन लेवल में कोई इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं. Use of randomized control trials as a research tool was largely limited to the field such as biomedical sciences, where the effectiveness of various drugs was gauged using this technique. So, ye cheez hai, right? Now, coming here, Nobel laureates Pryo applied RCT to the field of economics beginning in the 1990s. So, the Kramer first used the technique to study the impact that free meals and books had on learning in the Kenyan schools. Kenya ke schoolon mein ye lagaya gaya ki agar free meals aur books di jaye to kya learning pe koi positive impact aata hai. Agar aata hai to bahut achhi baat hai, agar nahi aata to matlab technique change karne ki zarurat hai, right? So this was the essence of this. Ab aadhar pe jo randomized control study kari gayi, RCS kara gaya. रैंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडी ने ये बताया कि आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इंक्रीज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर बेनिफिशरीज. बेनिफिशरीज के लिए इसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ गई. दैट इज टू क्लेम राशन कार्ड वर्थ ₹40, बेनिफिशरीज जो आधार सिस्टम में थे दे हैड टू इनकर ₹47 दैन दोज इन द ओल्ड सिस्टम, क्योंकि उन्हें बार बार चक्कर लगाने पड़े, मल्टीपल ट्रिप्स टू ऑथेंटिकेट डेमसेल्स एंड the opportunity cost of time spent. अब हमें ये ध्यान रखना होगा as a policy maker in the making, as a would be administrator, कि ये गरीब लोगों के लिए ये ₹7-₹10 मैटर करते हैं अगर उन्हें गांव से आसपास के तहसील टाउन में जाना पड़ेगा ये राशन कार्ड के साथ बायोमेट्रिक कार्ड को ऑथेंटिकेट करवाने के लिए. बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद
स्कीम में बेनिफिट ही नहीं लेना चाहेंगे कि क्या फायदा इसको बार बार ये हमें करना पड़ता है, राइट? सो दिस इज देयर नाउ आधार ऑथेंटिकेशन फॉल्सली रिजेक्टेड दी जेन्युइन. आधार ऑथेंटिकेशन में ये भी पाया गया जेन्युइन पीडीएस बेनिफिशरीज हैं, आधार ऑथेंटिकेशन के चक्कर में वो रिजेक्ट हो गए, राइट? तो द स्टडी फाइंड्स दैट नियरली 10% ऑफ द लेजिटिमेट बेनिफिशरीज वर डिनाइड देयर राशन कार्ड. तो वट आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेदर आधार हैज गॉट द स्टेटेड बेनिफिट्स और नॉट, कि वाकई क्या आधार के बेनिफिट्स हैं जितने बताए जा रहे हैं या नहीं. नो एम्पिरिकल एविडेंस टू बैक दिस क्लेम दैट अ मल्टीट्यूड ऑफ स्टेट टैक्सेस आर अ ड्रैग ऑन इंटर स्टेट कॉमर्स. राइट, तो दिस इज देयर नाउ. अब यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन, द स्टडी फाइंड्स दैट नियरली 10% ऑफ द लेजिटिमेट बेनिफिशरीज वर डिनाइड देयर राशन कार्ड ईदर बिकॉज दे डिड नॉट हैव देयर आधार लिंक्ड टू द राशन कार्ड और ड्यू टू एन एक्सक्लूजन एरर, कि उनको एक्सक्लूड कर दिया गया इससे. नाउ अब राइटर जीएसटी से इसे कंपेयर करते हैं. राइटर ये कहते हैं कि कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं पाया गया दैट मल्टीट्यूड ऑफ स्टेट टैक्सेज आर अ ड्रैग ऑन इंटर स्टेट कॉमर्स and hence a nationwide GST by stripping nationwide GST जो लाया गया है states को अपने local taxes को surrender करना पड़ा है GST के आने के लिए. राइटर ये कहते हैं कि 3 साल हो चले GST लाए को, promise of vastly improved interstate trade and 2 percentage point boost to GDP अभी दूर लगते हैं. ये यानी कि सुहाने सपने हैं कि GST के आने के बाद ये कहा गया था कि 2% GDP increase होने लगेगा, but ऐसा तो कुछ नहीं हुआ. और ये जो लगता है कब होगा, इट सीम्स टू बी अ डिस्टेंट ड्रीम नाउ वाइल द स्टेट्स आर हर्टिंग बैडली विद सोल डिपेंडेंस ऑन द सेंटर. अब ये जो नई स्टडी है, दिस न्यू स्टडी एक्सपोजेस द इंजीनियर्स वे ऑफ मेजरिंग पॉलिसी आउटकम्स ओनली थ्रू द प्रिज्म ऑफ न्यूमेरिकल एफिशिएंसी. राइटर ये कहते हैं कि एक इंजीनियर के दृष्टिकोण से 9 पीपल आर डिनाइड द वेलफेयर ड्यू टू अ सिस्टम एरर while 9 million are benefited through greater efficiency, then it is considered a net benefit for the society and policy is given a thumbs up. But in a sociologist's world and in a liberal society, a policy that could run the risk of denying welfare to just a few people, putting their lives at risk, is not worth implementing regardless of how many millions it बेनिफिट्स. बावजूद इसके कि स्टेटेड बेनिफिट्स पता नहीं कितने लाखों लोगों के लिए होंगे, बट जब तक काफ़ी लोगों की लाइफ को रिस्क है तो वो पॉलिसी लानी ही नहीं चाहिए. तो ये था हमारा ये आर्टिकल इंजीनियर्स वर्ल्ड व्यू से देखते हुए, राइट? तो टेस्ट, राइटर ये भी कहते हैं कि पॉलिसी को टेस्ट नहीं किया गया अच्छे से पायलट बेसिस पे, Type 1 error थे इसमें, राइट? ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस करी हैं राइटर ने. नाउ आगे चलते हैं न्यूज़ आर्टिकल्स की तरफ, पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स, GS Mains Paper 2. Before I proceed further, I would like to tell you that every day DNA is being done on a new channel whose name is An Academy Articulate. ये एक YouTube channel है जो कि आप follow कर सकते हो. Every day at around 7:30 PM, I am doing the daily news analysis on this channel. And in the process of daily news analysis, I deal with some of the other news articles which will be relevant for you for your prelims also. एक topic का daily basis पे हम threadbare analysis करते हैं daily the Hindu news analysis में. Now coming here, inaccurate says India as the criticism mounts. Ministry of External Affairs ने आलोचना करी है कि widespread international criticism जो Delhi के violence का हो रहा है as misleading and inaccurate. तो USCIRF विच विल होल्ड अ पब्लिक हियरिंग ऑन इंडिया एंड द इम्पैक्ट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑन March 4 इन वॉशिंगटन एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न्स ओवर द रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस एंड मॉब्स स्पेसिफिकली टारगेटिंग मुस्लिम्स इन दिल्ली. इंडिया ऑल्सो कॉशंस टर्की फॉर इट्स रिमार्क्स. इंडिया आस्क्ड पाकिस्तान क्लोज अलाय टर्की टू रिफ्रेन फ्रॉम कॉमेंटिंग ऑन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंट्री and also cautioned Turkey against encouraging cross-border terrorism. Turkey को ये कहा गया कि आप cross-border terrorism को बढ़ावा ना दें. India's reaction came after Turkish president criticized the country
आफ्टर कम्युनल रॉयट्स इन दिल्ली लेफ्ट एटलीस्ट 38 पीपल डेड। तो दिल्ली में 38 पीपल डेड, ये बीजेपी के जो लीडर हैं कमल मिश्रा, इनका काफ़ी ज़्यादा आजकल न्यूज़ में नाम चलते रहता है कि कपिल मिश्रा गिव्स अ प्रोवोकेटरी स्पीच, ही हैड गिवन अ प्रोवोकेटरी स्पीच एंड गिव्स एन अल्टीमेटम ऑफ 3 डेज। फेब्रवरी 23 को इन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि मुस्लिम जिन लोगों ने सड़क जाम कर रखी है उनको खाली करवाया जाए। तो ये सब जो मेजॉरिटेरियनिज्म वर्सेज माइनॉरिटेरियनिज्म चल रहा है, इसको लॉ एंड ऑर्डर के तहत लाने की ज़रूरत है। नाउ रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम हैज़ रेज्ड कंसर्न्स ओवर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ने डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पे होने के टाइम पे जो भी वायलेंस हो रहा था उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक क्रिटिसिज्म किया है कि इंडिया को इसके बारे में कुछ करना होगा। अर्लियर इन ऑगस्ट 2019 इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, यूएसए की इसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टेटमेंट इशू किया था अगेंस्ट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इन असम एंड अ मॉब लिंचिंग इंसिडेंट इन झारखंड। तो अब USCIRF है क्या? इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बाय पार्टीसन US Welfare Government Commission created by International Religious Freedom Act। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि USA में International Religious Freedom Act 1998 भी है। This body monitors the universal right to freedom of religion or belief abroad। USCIRF uses international standards to monitor religious freedom violations globally and makes policy recommendations to the President, the Secretary of State and Congress. USCIRF commissioners are appointed by the President and congressional leaders of both the political parties. Clear? So this thing is there. Now their work is supported by a professional non-partisan staff. USCIRF is separate from the State Department, although department's ambassador at large for international religious freedom is a non-voting ex-officio commissioner. Now, International Religious Freedom Report, ये कौन लेके आता है? USCIRF लेके आता है। These details are important for our prelims. Allow me to take a glass of water, guys. Sorry about this. Now, USCIRF releases International Religious Freedom Report annually. The report consists of country-wise chapters. 2019 report on India discussed mob-related violence, religious conversion, legal status of minorities and government policies. It has placed India on its Tier 2 category for engaging in or tolerating religious freedom. Violations that meet at least one of the elements of systematic ongoing egregious standard for designation as a country of particular concern under the International Religious Freedom Act. This is there. Now, I would like to tell you, jo log abhi bhi polity se sangharsh kar rahe hain, people who are struggling with polity and governance, and if you are one of the UPSC Civil Services aspirants 2022 aspirants, agar aap prelims 2020 mein dena chahte hain guys, to this last course for Indian polity and governance for 2020 is live now, and jo log 2021 ke liye prepare kar rahe hain, people who are preparing for 2021, and even if you are in dilemma whether to write 2020 or 2021, this polity and governance course and other courses by me, these are the courses for your preparation. Kyunki newspaper agar hum dekhe to 70% of the Hindu newspaper comprises of polity and governance and economy. To economy ka bhi course abhi 27th February se start kiya gaya hai. यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस। थोड़े दिन पहले मैंने ये बताया था कि अनअकैडमी प्लस पे आपको डिस्काउंट कैसे लेना है। अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं जतिन YT71 या जतिन वर्मा 71 JATINVERMA71 अनअकैडमी UPSC कैटेगरी की फ़ी पे करते टाइम, तो यू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस की जो एक साल की सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो 40,000 है। इफ़ यू यूज़ दिस कोड यू गेट 10% डिस्काउंट एंड यू वुड हैव टू पे 10%। और ये सारे जो कोर्सेज हैं, इंडियन इकोनॉमी कोर्स, दिस कोर्स स्टार्टेड फ्रॉम 27th ऑफ फेब्रुअरी। तो अभी भी टाइम है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस स्टार्ट्स
दिस कोर्स हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन 27th of January. अगले साल भी ऐसे ही कोर्सेज लाए जाएंगे मेरे, करंट अफेयर्स राउंड अप, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज. तो इवन इफ यू आर वन ऑफ दोज हु आर प्लानिंग टू ज्वाइन इन 2021, यू कैन स्टिल गो फॉर द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन टू एक्सेस ऑल माई कोर्सेज. नाउ, इंडिया टू कैरी आउट प्रोजेक्ट्स इन रखाइन. इंडिया ने ये कहा है कि रखाइन स्टेट में, बांग्लादेश की जो रखाइन स्टेट है, वहाँ पे इंडिया अपने जो सिविलियन प्रोजेक्ट्स हैं फॉर पीस एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ दैट एरिया, इंडिया अभी भी इन प्रोजेक्ट्स को चलाते रहेगा. एंड देर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू. नैफ रिवर कहाँ पे है? यू हैव टू आंसर नैफ रिवर कहाँ पे है, कहाँ पे पाई जाती है रिवर नैफ. सो प्लीज आंसर दिस, वेयर इज नैफ रिवर लोकेटेड? Naff River traverses from which territory? You can answer it this way as well. River Naff traverses from which territory? तो और सितवे port ये है, ये China ने बनाया, ये हमें पता है. Chittagong ये port भी China ने बनाया, right? तो Chittagong port है Bangladesh का, सितवे port है Myanmar का. String of pearls theory के under ये ports बनाए जा रहे हैं. Clear? Now coming here. Recently India has handed over 250 prefabricated houses to Myanmar for use of displaced returnees from Bangladesh. Indian government had taken up the projects under its Rakhine State Development Program. India signed a development program for Rakhine State in Myanmar in late 2017, which was designed to assist the Myanmar government in Rakhine State to build housing infrastructure for displaced Rohingyas. The program includes the creation of infrastructure in the areas of education, health, agriculture and allied activities, agro-processing, community development sectors and related training in these areas. More than 7 lakh minority Rohingya Muslims fled from Myanmar's Rakhine state to neighboring Bangladesh since August 2017, triggering a massive refugee crisis. Right, so this is their background. अब इंडिया ने ये कहा है, इंडिया विल कैरी आउट मोर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन रखाइन प्रोविंस ऑफ म्यांमार विच इज कंसिडर्ड टू बी दी होमलैंड ऑफ रोहिंग्या कम्युनिटी. अब आज थोड़ा सा इसको डील ही कर लेते हैं. इंडिया को क्या पड़ी है? क्या हमारे अपने लोग, गरीब लोग, क्या पॉवर्टी लाइन से अपलिफ्ट हो गए हैं? वाई डज इंडिया डू सो मच फॉर इट्स नेबरिंग कंट्रीज? लेट अस अंडरस्टैंड दिस फैक्टर टुडे. देखो, दिस इज आवर ग्रेट कंट्री इंडिया. सो इंडिया में दो फैक्टर्स काम करते हैं इंडिया के अराउंड, पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स. अगर अफगानिस्तान में इंडिया सिविलियन प्रोजेक्ट्स नहीं लाएगा, अगर अफगानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं होगी, अगर म्यांमार में पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो दीज पीपल, अगर मान लो कि पाकिस्तान का जो कुछ कुछ एरियाज में डिस्प्यूट चल रही है, वहाँ पर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? दीज पीपल विल बी पुश्ड आउट. एंड इफ दे विल बी पुश्ड आउट, तो दूसरा सोशियोलॉजिकल फिनोमिना है पुल फैक्टर. दे विल बी पुल्ड टूवर्ड्स इंडिया, मैग्नेटिज्म. इंडिया इज अ ग्रोइंग सुपर पावर, पीस एंड सिक्योरिटी इज देयर, तो ये लोग इंडिया की तरफ आने लग जाएंगे. इसीलिए इंडिया बींग द पॉपुलस कंट्री, वन ऑफ द पॉपुलस कंट्रीज, इंडिया वॉन्ट्स दैट दीज पीपल ऑफ म्यांमार शुड रिमेन इन म्यांमार. These people of Afghanistan should remain in Afghanistan and Pakistan people should remain in Pakistan. इसीलिए इंडिया इनको रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज या सिविलियन प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करते रहता है. समझ में आया? नहीं तो ये पीपल, इसको बोला जाता है पुश पुल फिनोमिना. What is it called? This is called as push and pull factor phenomena. Clear? They are an ethnic group, mostly Muslims. तो ये चीज़ें हैं पुश पुल फैक्टर्स. आपको जीएस मेंस पेपर 1 सोशियोलॉजी के लिए याद रखना है. सो दिस इज देयर नाउ. इसीलिए इंडिया ये कर रहा है. सेकंड फेज ऑफ रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय इंडिया, इंडियाज सेकंड फेज. इंडिया पहले भी कुछ कर चुका है एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज प्लान फॉर रखाइन प्रोविंस. बोथ दी साइड्स अग्रीड टू एक्सपेडाइट 12 प्रोजेक्ट्स इन रखाइन अंडर द सेकेंड फेज ऑफ Rakhine State Development Program as a part of the Mekong Ganga Cooperation Mechanism. Rakhine has been in the news because of Myanmar military's campaign against Rohingyas.
who were forced to live in the refugee camps in Bangladesh. One of the main purpose of India's developmental work is aimed at creating a hospitable condition. मतलब एक रहने लायक कंडीशन म्यांमार में क्रिएट हो जाए, इसलिए ये किया जाता है. क्लियर? नाउ हु आर रोहिंग्यास? दे आर द एथनिक ग्रुप. ये हमें पता है रोहिंग्यास की ये तादाद है, इतनी पॉपुलेशन में ये लोग इस स्टेट से भाग के, रखाइन स्टेट से भाग के इधर इन एरियाज में. सऊदी अरेबिया में 2 लाख रोहिंग्या पीपल आर रिजाइडिंग, UAE. पाकिस्तान 350,000, इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 40,000 पीपल. सो दिस इज देयर Rohingya crisis. According to a case brought by the country of Gambia at the United Nations International Court of Justice, Myanmar military had in August 2017 carried out a systematic targeted campaign of terror, rape and murder against its Muslim population. UN investigators said that as many as 10,000 Rohingya, a Muslim minority in this Buddhist majority nation, were killed. Okay, तो ये चीज़ें म्यांमार के अगेंस्ट हैं. आज थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं. ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी, ऑन सैन सू की जो म्यांमार की लीडर हैं जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है, उनके आने के बावजूद भी म्यांमार में ऐसा क्राइसिस क्यों? क्योंकि म्यांमार एक बुद्धिस्ट कंट्री है और कोई भी लीडर हों, चाहे ऑन सैन सू की हों, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों मिस्टर मोदी, उनको मेजॉरिटी की आवाज़ सुननी ही पड़ती है ताकि वो सत्ता में बने रहें. राइट? मेजॉरिटेरियनिज्म दिखाया जाता है. तो ऑंग सैन सू की जब सरकार में नहीं थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, राइट, कि जो म्यांमार में लोगों को मिलिट्री जनता जो है परेशान कर रही है, लेकिन जब वो खुद पावर में आई, उनकी नाक तले ये काम हो रहा है. इट इज़ राइट अंडर हर नोज दैट दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस आर हैपनिंग, even though she has herself been the worst victims of human rights in Myanmar. To time badalta hai to leader bhi badal jate hain aur log bhi badal jate hain aur unka astitva bhi badal jata hai. Right? Rohingya people are being widely abused and exploited, and Aung San Suu Kyi seems to have closed her eyes. She seems to have turned a blind eye to whatever is happening there. Issues with Rohingyas living in India center. Ab Rohingyas ne India mein article 21 ke तहत ek पिटीशन फाइल किया है. उस पिटीशन में इन्होंने ये कहा है कि इनको पूरे राइट्स दिए जाएं, इनको, क्योंकि हमारे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज अवेलेबल नॉट जस्ट टू दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया बट टू एनीबडी ऑन दी इंडियाज ग्रेट सॉयल. राइट? तो इसीलिए रोहिंग्याज ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया है कि इन्हें वापस एक्सट्रेडाइट ना किया जाए. रोहिंग्याज का मैटर एक ऐसा मैटर है जिस वजह से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिलेशंस या म्यांमार के साथ में रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहेंगे अगर इंडिया इनको डिपोर्ट करता है वापस. राइट? इंडिया फॉरेनर्स एक्ट 1946 लगाने की बात कर रहा है. फॉरेनर्स एक्ट 1946 फेल्स टू एड्रेस द पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रिफ्यूजीज एज अ क्लास. इट ऑल्सो गिव्स अनब्राइडल्ड पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिपोर्ट एनी फॉरेन सिटीजन. नाउ दिस लिमिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन fails to stand the test of equality. ये हम सभी जानते हैं. Now, India gets invite for US Taliban deal event. India has been invited to witness the ceremony to seal the peace deal with between USA and Taliban in the Qatari capital of Doha. तो कतर की जो दोहा कैपिटल है वहाँ पर यह मीटिंग होने जा रही है. USA wants a safe exit from Afghanistan after having burnt its fingers, hands and arms. तो पूरी तरह से पैसा ध्वस्त होने के बाद अभी भी USA ये चाहता है फटाफट से USA को एक सेफ एग्जिट मिल जाए और तालिबान को वहाँ पर इंस्टॉल करा जाएगा. तो मिला क्या? USA ने 10 साल से भी लंबी लड़ाई अफगानिस्तान में, रादर 20 साल हो जाएंगे इस लड़ाई को, 20 साल से ये वॉर चल रहा है. अफगानिस्तान हैज़ बीन रेविस्ड बाई अ वॉर सिंस 2001 when a US-led coalition overthrew Taliban. Osama bin Laden's Al-Qaeda, who carried out 9/11 terrorist attacks on the United States, was harbored by Taliban. Taliban initially has emerged as a militia largely consisting of students called as Talibs in 1994. This group comprises of militants who had been educated in traditional Islamic schools and fought during the Soviet-Afghan War
एंडिंग इन 1989. सो दिस इज देयर. नाउ कमिंग हियर, देयर हैज बीन अ कंटिन्यूड 25 इयर्स ऑफ सिविल वॉर इन अफगानिस्तान. An Afghanistan force and Taliban conflict has been sustained during this long time and damaged social and economic life, making peace elusive for Afghanistan. Afghanistan mein peace kahin aata hua, shanti vyavastha bahal hoti hui nahi dikh rahi hai. International efforts, especially by USA and NATO countries, have been failed. These countries have spent hundreds of billions of dollars. Abhi pichle dino हमने ये देखा था कि दोबारा से 1.2 बिलियन डॉलर का जो एड है यूएसए ने दोबारा से पाकिस्तान को देना शुरू कर दिया है, ताकि पाकिस्तान मिलिट्री यूएसए की हेल्प करे, यूएस मिलिट्री की हेल्प करे अफगानिस्तान में. हाउएवर इवन टुडे प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ पीस प्रोसेस इज इंक्रीजिंगली सीन एज सेंट्रल टू सिक्योरिंग अ जस्ट एंड स्टेबल फ्यूचर. अफगानिस्तान पीस डील के की एलिमेंट्स क्या हैं? विड्रॉल ऑफ फॉरेन फोर्सेज फ्रॉम अफगानिस्तान. तालिबान ये कह रहा है कि यूएसए को अपने फॉरेन सोल्जर्स, नेटो को अपने सोल्जर्स विड्रॉ करने होंगे. यूएस करेंटली हैज एन एस्टिमेट ऑफ अराउंड 12,000 ट्रूप्स इन अफगानिस्तान. 12,000 यूएस सोल्जर्स आर स्टिल देयर इन अफगानिस्तान. तालिबान ये कह रहा है कि इनको विड्रॉ करो. देन टू प्रिवेंट अफगानिस्तान फ्रॉम बींग यूज बाय टेररिस्ट ग्रुप्स, अ परमानेंट सीज फायर बिटवीन तालिबान एंड अफगानिस्तान, डायरेक्ट नेगोसिएशन बिटवीन तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट, इंट्रा अफगान negotiations. Negotiations will cover a variety of issues, including the rights of women, free speech, and changes to the country's constitution. Intra Afghan talks would also lay out अफगानिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान की पॉलिटी में खुद में एक बातचीत होनी जरूरी है सरकार के बीच में और तालिबानी फाइटर्स के बीच में. Talks would also lay out the heavily armed militias belonging to Afghanistan warlords who have amassed wealth and power since Taliban were ousted from power in 2001. तो heavily armed militias हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं, गुट हैं छोटे छोटे, जिनके पास बहुत पैसा है, उनके बारे में भी अफगान टॉक्स में बात की जाएगी. Now, इंडिया का क्या स्टैंड है इस सारी चीज के बीच में? With limited options, इंडिया को USA ने कोई इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं दिया अफगान पीस टॉक्स में. अफगानिस्तान का फ्यूचर डिसाइड करने में इंडिया कहता रहा कि हमें भी स्पेस दिया जाए, बट नहीं दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा, इसलिए यूएसए ने ऐसा नहीं किया. यूएसए को पाकिस्तान की सपोर्ट की ज़रूरत है इस सारे प्रोसेस में. विद लिमिटेड ऑप्शन ऑफ इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, इंडिया इज प्लेइंग अ रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक कंट्री एंड अ ट्रू फ्रेंड एंड नेबर टू द अफगानिस्तान. इंडिया इज एंगेज विद अफगानिस्तान बाय फॉलोइंग वेज, डेवलपिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एज हॉस्पिटल, स्कूल्स, पार्लियामेंट का हाउस हमने बनाया है वहाँ पे, ट्रेनिंग, मिलिट्री को ट्रेनिंग दी है, लेकिन खुद से हमने अपनी मिलिट्री वहाँ डिप्लॉय नहीं करी है. ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस सच एज मेडिकल मिशंस एट्सेट्रा, मिलिट्री वॉरफेयर सच एज मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स एंड रिपेयरिंग दी ओल्ड सोवियत एरा हेलीकॉप्टर्स. इंडिया इज लाइकली कंसर्न दैट एनी डील दैट कुड इंट्रोड्यूस द तालिबान बैक इन टू द अफगानिस्तान गवर्नमेंट could dilute its political influence in Afghanistan. India's hedge towards Iran, अब यहाँ पे देखेंगे इंडिया का जो झुकाव है ईरान की तरफ ज्यादा है, राइट? अब इंडिया ईरान के रास्ते सी कम लैंड रूट के थ्रू, यहाँ से हमने ये पोर्ट डेवलप किया और चबार पोर्ट डेवलप करने के बाद हम लैंड रूट के थ्रू यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं, राइट? सो ये जो सी कम लैंड रूट है, अब इंडिया यहाँ पे इसे डेवलप कर रहा है, बट अब इसका फ्यूचर लिम्बो में आ जाएगा, क्योंकि तालिबानी फोर्सेस ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को ये कहेगा कि ISI जो है वो नहीं चाहेगी कि इंडिया को इस रास्ते से सेंट्रल एशिया में अपनी गुड्स बेचने का मौका मिले. क्लियर? तो इंडियाज हेज टूवर्ड्स ईरान बाय इन्वेस्टिंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ छबार पोर्ट, the only Iranian port with direct access to Indian Ocean, could pave the way for a continuing economic role. But India would probably see a peace agreement, particularly one championed by Pakistan, as a short-term setback to its interests in Afghanistan. Afghanistan-India friendship dam.
फॉर्मली सलमा डैम इज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड इरीगेशन डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन हरी रिवर इन चिश्ती शरीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हेरात प्रोविंस इन वेस्टर्न अफगानिस्तान। राइट, तो ये सब चीज़ें हैं। हेरात प्रोविंस में इंडिया जो है हरी रिवर पे ये डैम बना रहा है, अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम जिसे कहा जाता है। सो अगर क्वेश्चन आता है जीएस मेन पेपर टू में, मेंस में जीएस पेपर टू में अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट रोल हैज इंडिया प्लेड और डिटेल और एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट्स और कॉमेंट ऑन द प्रोजेक्ट्स बींग वर्कड अपॉन बाई इंडिया एंड अफगानिस्तान जॉइंटली। सिंस दिस प्रोजेक्ट इज फंडेड एंड कंस्ट्रक्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ इंडिया एड प्रोजेक्ट, अफगानिस्तान कैबिनेट रीनेम्ड द सलमा डैम टू अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम इन अ जेस्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट प्रोड्यूस 42 मेगावाट ऑफ पावर इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग इरीगेशन फॉर 75,000 हेक्टेयर ऑफ फार्म लैंड। तो दिस इज इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन अफगानिस्तान। द डैम वॉज ओपनड ऑन 4th June 2016 बाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर। नाउ कमिंग हियर, ये है हमारा ग्वादार पोर्ट जो हमने पाकिस्तान में बनाया है। इस पोर्ट के जो सॉरी छबार पोर्ट जो हमने ईरान में बनाया है, इस पोर्ट का फ़ायदा ये है कि चाइना द्वारा बनाया गया ग्वादार पोर्ट, ग्वादार पोर्ट चाइना को एक एडवांटेज देता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सी पॉइंट है, यहाँ से जो सी रूट है उसको चाइना कल को चोक कर सकता था, बंद कर सकता था अपनी नेवल शिप्स को डिप्लॉय करके। बट छबार पोर्ट बनाने की वजह से इंडिया को एक ये माइलेज है कि छबार पोर्ट होने की वजह से चाइना को जो एडवांटेज था ग्वादार पोर्ट की वजह से वो कहीं ना कहीं निल हो जाता है, नलीफाई हो जाता है, नेगेट हो जाता है। इफ़ यू वर टू से इन इंग्लिश, इट गेट्स नेगेटेड द एडवांटेज दैट चाइना हैड बिकॉज ऑफ द ग्वादार पोर्ट इन पाकिस्तान गेट्स नेगेटेड बिकॉज ऑफ इंडियाज सक्सेस इन गेनिंग कंट्रोल ऑफ छबार पोर्ट। इट्स दिस इज देयर। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान फॉर इंडिया, अफगानिस्तान इज अ गेटवे फॉर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो अगर हम देखें तो इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया में गेटवे कहाँ से आता है, अफगानिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ज़मीन नहीं सौंपता, पाकिस्तान अपनी लैंड एक्सेस नहीं देता इंडिया को गुड्स बेचने के लिए। तो इसीलिए अफगानिस्तान के रास्ते अब ये गुड्स बेची जाएंगी कुछ ऐसे। राइट, सो दीज थिंग्स आर देयर। नाउ इंडिया डेवलप छबार पोर्ट टू इंक्रीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद अफगानिस्तान एंड काउंटर पाकिस्तान इन वेस्ट सी। इससे चाइना के ऊपर भी हमें एडवांटेज मिलती है। चाइना अपनी गुड सेंट्रल एशिया में बेच पाता है क्योंकि चाइना एक पास में है कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्री से सटा हुआ इलाका है, जुड़ा हुआ इलाका है इसीलिए। नाउ तापी पाइपलाइन, ये थोड़ा सा और बैकग्राउंड आप स्टडी कीजिएगा। यू कैन डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम माई वेबसाइट www.jatinvarma.org। आप इस PDF को जतिन वर्मा वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, जतिन वर्मा वेबसाइट पे ये सारा PDF। और हर हफ्ते एवरी वीक वी आर कंडक्टिंग एन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑन आर वेबसाइट। प्रिलिम्स के लिए फ्री टेस्ट सीरीज यदि आपको ज्वाइन करनी है तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। यू कैन गो टू आर वेबसाइट एंड कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस फ्री टेस्ट सीरीज। हर हफ्ते एक टेस्ट करवाया जाता है, क्लियर। तो इसके लिए अगले हफ्ते इस पे डिस्कशन रहेगा यूट्यूब पे ऑफ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। नाउ कमिंग हियर, UK threatens to pull out of EU trade talks. Britain put the prospect of chaotic Brexit back on the table as it set out its red lines for trade talks with European Union. In its mandate for the negotiations that will start on March 2, Britain government rebuffed EU demands for common trading standards and continued fishing rights. It warned that it could walk away from talks if a broad outline of a deal is not agreed by a meeting planned for June. UK की ये demands हैं। Britain ने EU से exit किया है 31 January को। इसके बाद हमने काफ़ी सारे articles और editorials भी देखे इस मुद्दे पर। अब ये है, Britain wants a free trade agreement similar to EU's deal with Canada. क्योंकि अब Britain EU का part नहीं है तो Britain एक free trade agreement चाह रहा है, set alongside separate agreements on the issues such as fishing, energy, aviation. तो ब्रिटेन का अब रिश्ता EU के साथ में वैसे हो जाएगा जैसे किसी और कंट्री का है, क्लियर। बट ब्रुसेल्स सेज दैट ब्रिटेन्स जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी एंड एग्जिस्टिंग क्लोज टाइज मेक इट अ डिफरेंट केस, फियरिंग इट कुड गेन एन अनकॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय रिलैक्सिंग कॉस्टली
एनवायरमेंटल एंड लेबर लॉज। सो दिस इज देयर नाउ इट सेज ब्रिटेन मस्ट मिरर ईयू स्टैंडर्ड्स। ईयू का ये कह रहा है कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो वैसे ही मीट करने पड़ेंगे जैसे ब्रिटेन पहले करते हुए आ रहा था। तो इफ इट वॉन्ट्स टू कॉन्टिन्यू फ्रीली ट्रेडिंग गुड्स विद ब्लॉक्स ह्यूज सिंगल मार्केट। हाउ एवर ब्रिटेन आर्ग्यूज दिस वुड अंडरमाइन द होल पॉइंट ऑफ ब्रेक्जिट इवन इफ दैट मीन्स इंक्रीज बैरियर्स विद वट इज करेंटली ब्रिटेन्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो ये दोनों के बीच में कश्मकश चल रही है। अनदर पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट इज फिनेंशियल सर्विसेज। ब्रिटेन वॉन्ट्स फॉर द ब्रिटेन इट वॉन्ट्स रिजॉल्व बाय जून टू अलाउ फर्म्स टू कीप वर्किंग इन यूरोपियन यूनियन आफ्टर दिसंबर 31st, जो कि यूरोपियन यूनियन नहीं होने देना चाहता। फिशिंग राइट्स एक और कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा है दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों साइड्स के बीच में, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन, बट इट इज़ ऑल्सो वाइटल फॉर मैनी ईयू कंट्रीज। फिशिंग राइट्स, फ्रांस नहीं चाहेगा कि फिश और सी फूड कॉट इन यूके वाटर्स अकाउंट 30% ऑफ द सेल्स फॉर फिशरमैन। ब्रुसेल मतलब यूरोपियन यूनियन वॉन्ट्स टू मेंटेन द राइट ऑफ इट्स फ्लीट टू फिश इन यूके वाटर्स। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि उसकी जो शिप्स हैं उनको फ्रीली यूरोपियन यूनियन की शिप्स को फ्रीली यूके वाटर्स में जो है नेविगेट करने दिया जाए। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। अब आगे आते हैं ब्रेक्जिट डील क्या था, ये इसके लिए आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.jatinvarma.org से। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसका PDF भी आप DNA का PDF आप www.jatinvarma.org से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोज ऑफ यू हु वॉन्ट रेगुलर अलर्ट्स, जैसे कि प्रीलिम्स पास में आ रहा है, जिनको रेगुलर अपडेट्स चाहिए, आप 9582868080 पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा। वैसे मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फॉलो करके भी आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ ब्रेग्जिट क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें जो है एक स्टैटिक पोर्शन या फिर हम ये कहेंगे कि बैकग्राउंड है। तो इस बैकग्राउंड को पाने के लिए आप PDF थोड़ा सा डाउनलोड कर लीजिएगा, इसे मतलब थोड़ा सा क्या पूरा ही डाउनलोड कर लेना, लेकिन वेबसाइट पे जाके, राइट। इकोनॉमी एंड इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, GS मेंस पेपर 3 की बात करेंगे अब। इकोनॉमी एंड इंटरनल सिक्योरिटी, टेलीकॉम कंपनीज सीक हेल्प ऑन प्रायोरिटी बेसिस, रीलिंग अंडर प्रेशर टू क्लियर देयर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू रिलेटेड ड्यूज। टेलीकॉम कंपनीज हैव सेंट अ सेव आवर सोल्स टू द गवर्नमेंट सीकिंग मेजर्स ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। एज वी ऑल नो दैट टेलीकॉम कंपनीज को ग्रॉस एडजस्टेड रेवेन्यू पे करने को कहा गया है। क्या पे करने को कहा गया, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जो कि इन्होंने इसमें थोड़ी गड़बड़ करी थी, जो पे करना था वो नहीं किया, उस पर और कुछ खर्चे जोड़ लिए गए। फॉर एग्जाम्पल एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, अगर इनका रेवेन्यू मान लो 10,000 करोड़ था तो उनको 10,000 करोड़ रुपये का 6% देना चाहिए था, लेकिन इसमें से डीलर्स की कमीशन गुडविल का जो खर्चा है वो माइनस करके प्रॉफिट को रिड्यूस किया गया 5,000 करोड़, और फिर उसका 6% जो है सरकार के साथ शेयर किया गया। नई स्पेक्ट्रम पॉलिसी के तहत ग्रॉस रेवेन्यू का एक सर्टेन परसेंटेज यानी कि 6% शेयर करना होता है टेलीकॉम प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, लेकिन इन्होंने वो करने के प्रोसेस में औने पौने खर्चे निकाल के दिखा के अपनी जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है उसको रिड्यूस कर लिया 5,000 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, और उस पर डोनेशन दिया और उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, उसको शेयर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर चली गई सुप्रीम कोर्ट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ये 10,000 करोड़ का प्रॉफिट बनता था, लेकिन ये 5,000 करोड़ अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं, बाकी का प्रॉफिट इन्होंने रिड्यूस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात को सही कहते हुए ये कहा कि इनको बकाया राशि देनी होगी जो कि लगभग 1,47,000 करोड़ रुपये बनती है। क्या तो द इंडस्ट्री बॉडी हैज ऑल्सो पिस्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लोर प्राइस फॉर द टेलीकॉम टैरिफ्स
फ्रॉम अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स। अब इनको ये एक टाइम लिमिट दी गई थी कि आप इतनी समय तक ये पैसा जमा करें, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डेडलाइन दी थी कि आपको ये पैसे देने होंगे जनवरी 23 तक, लेकिन काफ़ी सारी कंपनीज ये पैसे नहीं दे पाई, राइट। अब ये सरकार के आगे गुहार लगा रही हैं टेलीकॉम कंपनीज, दे आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बेल देम आउट, अदरवाइज इट विल बी अ क्राइसिस फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो दिस इज देयर क्लियर, सो दिस इज देयर। नाउ द इंडस्ट्री बॉडी हैज ऑल्सो पिस्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लोर प्राइस फॉर टेलीकॉम टैरिफ्स अप्रैल 1, 2020 ऑनवर्ड्स। So this is there. Recently, the Supreme Court has come down heavily on the Department of Telecommunications. DOT issued a notification last month that asked for no coercive action against the telecom companies, AGR dues by the stipulated deadline of January 23. आपके क्या क्या questions हैं चेतन and others, you can ask your questions। क्या government इनके license cancel नहीं कर सकती? Government इनके license cancel करेगी तो जो telephone companies हैं उनको और नुकसान होगा, right? क्लियर, तो उनको और ज़्यादा नुकसान होने लगेगा। गवर्नमेंट के जो डिजिटल इंडिया मिशन और इंटरनेट पेनिट्रेशन है उसको नुकसान होगा, तो इसीलिए गवर्नमेंट इज टेकिंग अ कंसिडर्ड व्यू। एम आई क्लियर? द कोर्ट ऑल्सो आस्क द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम टू इमीडिएटली विदड्रॉ द नोटिफिकेशन विच सेड दैट देयर वुड बी नो कोएर्सिव एक्शन अगेंस्ट टेलीकॉम कंपनीज। लास्ट ईयर द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डेफिनेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कैलकुलेशन as stipulated by Department of Telecommunication. BSNL hai to, but BSNL in the last 1 month we had seen a news, BSNL has not been able to implement the BharatNet project, right? But yes, you are right ki private companies ke against action lena chahiye. Ab ye jo hai itna simple nahi hota jitna lagta hai. Adjusted gross revenue kya hai, this we have dealt with. AGR is divided into spectrum usage charges and licensing fees pegged between 3-5% and 8% respectively. As per Department of Telecommunication, the charges are calculated based on all the revenues earned by a telecom company, including non-telecom related sources such as deposit interests and asset sales. Telecom companies insist that the AGR should comprise only the revenues generated from telecom services. Now, telecom companies के अपने issues हैं, several individual cases are pending in various high courts of India, ये सब हम पढ़ चुके हैं already. Telecom regulatory authority का इस पर क्या कहना है ये देखते हैं. Telecom regulatory authority of India has in its recommendation paper agreed on many of the sector's demands, such as the exclusion of income from dividend and capital gains on account of profit on the sale of assets and securities. Clear? So this is there. Now, what is AGR? We all know adjusted gross revenue का मतलब क्या है. अब आते हैं एक और interesting news पे. JNPT, Jawaharlal Nehru Port Trust seeks priority in dedicated freight corridor linkage. सबसे पहले जिस port को link करने की बात हुई थी वो था JNPT. अब लेकिन सब काम जैसे अदानी के लिए हो रहे हैं तो अदानी पोर्ट को, जो हमारा अदानी साहब हैं उनका जो पोर्ट है, देखो मुंद्रा पोर्ट, उसको पहले जोड़ा जाएगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ. तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो कि गवर्नमेंट रन पोर्ट है उसको पहले जोड़ा जाना चाहिए. JNPT अथॉरिटीज़ जो इसे चला रही हैं उनका ये कंसर्न है, गवर्नमेंट को एक्सपेडाइट करना चाहिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट लिंकेज विद JNPT. इफ़ DFC गोज़ टू मुंद्रा फर्स्ट then JNPT affected in an adverse way. तो private port को पहले link करने की बात क्यों आई? क्योंकि वो अदानी है इसलिए, is it right? JNPT's fear is if Adani's port is connected first then cargo from the hinterland would move to the private port.
अफेक्टिंग इट्स बिजनेस। नाउ ये JNPT पोर्ट इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिनाउंड है, उसको पहले लिंक क्यों नहीं किया जाएगा, राइट? रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप अ मेजर पोर्ट एट वधवन नियर दी दहानू इन महाराष्ट्र। विद द डेवलपमेंट ऑफ वधवन पोर्ट इंडिया विल ब्रेक इन टू द कंट्रीज विद टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। अ कंटेनर पोर्ट इज अ पोर्ट विच स्पेशलाइजेज इन हैंडलिंग गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर्स। कंटेनर पोर्ट क्या होता है? जो स्पेशलाइज करता है कंटेनर के थ्रू गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में। द पोर्ट विल बी डेवलप्ड ऑन लैंडलॉर्ड मॉडल। अब लैंडलॉर्ड मॉडल क्या है? इन द लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल पब्लिकली गवर्न्ड पोर्ट अथॉरिटी एक्ट्स एज अ मेयर रेगुलेटरी बॉडी एंड एज अ लैंडलॉर्ड, व्हाइल द प्राइवेट कंपनीज कैरी आउट द पोर्ट ऑपरेशंस, मेनली कार्गो हैंडलिंग एक्टिविटीज। तो कंटेनर हैंडलिंग का ठेका किसी एक कंपनी को दे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ट्रैफिक अंदर आएगा, कौन सी कंपनी के ट्रक्स को अंदर अलाउ किया जाएगा? सिर्फ उसी प्राइवेट कंपनी के ट्रक्स को जो प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। हेयर लैंडलॉर्ड मॉडल ऑफ रनिंग द पोर्ट के अंडर पोर्ट अथॉरिटी मेंटेन्स द ओनरशिप ऑफ द पोर्ट व्हाइल द इंफ्रास्ट्रक्चर इज लीज्ड आउट टू प्राइवेट फर्म्स दैट प्रोवाइड एंड मेंटेन देयर ओन सुपर स्ट्रक्चर एंड इंस्टॉल ओन इक्विपमेंट टू हैंडल कार्गो। In return, the landlord port gets a share of the revenue from their private entity. The role of the landlord port authority would be to carry out all public sector services and operations such as award of bids for cargo terminals and dredging. Yeah, so this is there. Special purpose vehicle. A special purpose vehicle will be formed with Jawaharlal Nehru Port Trust as the lead partner to implement the project. The position of Jawaharlal Nehru Port, the biggest container port in India, is 28th in the world in terms of traffic. तो पहले इनको करना चाहिए, लेकिन आजकल क्या है? अदानी का जमाना है, right? पहले वाड्रा का था, आज अदानी का है. Now coming here, Robert Wadra अपना, right? So coming here, with the completion of fourth terminal at JN Port, its capacity will increase to 10 million TEUs. So this is there. Andhra Pradesh's fruit train, said to be the first of its kind in the country, was flagged off from Tadipatri railway station in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh's fruit train is the first fruit train in the country. This is the first time in India that an entire train is being sent to the gateway port JNPT. Clear? Now coming here, environment and ecology. Central Pollution Control Board has pulled up Uttar Pradesh Pollution Control Board for its inability to prevent the drains in Kanpur from polluting the Ganga. Kanpur ke jo drains hain wo Ganga mein jaake open out ho rahe hain, Ganga mein jaake drain out ho rahe hain. So some of these drains were tapped under cleaning works, which is one of the pillars under Namami Gange program. So what are the pillars of Namami Gange program? Ye aap answer karenge comment section mein. What are the pillars of Namami Gange program? Indicator of microbial presence. Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board had been jointly monitoring 24 drains. They have been jointly monitoring 24 drains, 2 in Unnao and 22 in Kanpur since 10 minutes. Since March 2019, drains that revealed high color from chemical effluents or biochemical oxygen demand. Biochemical oxygen demand kya hota hai? Environment ke liye ye term is very very important. Please answer this in the comment section. And dissolved oxygen kya hota hai? Please answer these two terms separately. As I had said that prelims 2020 se pehle, meri website pe www.jatinvarma.org pe, we are going to share a lot of material, right? और अमेज़न से भी आप रेकनर जाके परचेज कर सकते हो। हमारा जो टॉप अप मटेरियल है अमेज़न पे भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मटेरियल आ रहा है रेकनर्स, RECONERS, रेकनर्स मतलब दे विल हेल्प, दीज डॉक्यूमेंट्स विल हेल्प यू रिवाइज दी स्टफ फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी,
दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स 2020 इन एन इफेक्टिव मैनर। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हो www.jatinvarma.org पे। एंड टॉप अप इज अ वैल्यू एडिशन मटीरियल फॉर पॉलिटी एंड गवर्नेंस। दिस बुकलेट हैज बीन रिलीज्ड ऑन अमेजन नाउ। ओवर 1,000 इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग शुगर केन पल्प एंड पेपर एंड टैनरीज एंड स्लॉटर हाउसेज हैव बीन मार्क्ड आउट एंड मॉनिटर्ड फॉर द एफ्लुएंट लोड। राइट, तो दीज थिंग्स आर देयर। नाउ गंगा रिवर सिस्टम, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ ऑर्डर्ड द उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू एक्सपेडाइट सर्विलेंस ऑफ टैनरीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्चार्ज। कानपुर कॉन्ट्रीब्यूट्स द हाइएस्ट पोल्यूशन लोड अमंग ऑल ऑफ द सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश विच इट्सेल्फ अकाउंट्स फॉर 75% ऑफ द पोल्यूशन लोड इन गंगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड is the dissolved oxygen needed by bacteria in the in decomposing the organic waste present in the water. तो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर कहा जाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर। राइट, द हायर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट्स लो डिजॉल्व ऑक्सीजन कॉन्टेंट ऑफ वॉटर। सिंस बीओडी इज लिमिटेड टू बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स, इट इज नॉट अ रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग वॉटर पॉल्यूशन। सो दिस इज देयर। नाउ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज अ स्लाइटली बेटर मोड यूज टू मेजर पॉल्यूशन लोड इन द वॉटर। यूज टू मेजर, अगर किसी पानी वॉटर बॉडी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है तो उसका क्या मतलब है? If a water body's biological oxygen demand is higher than another water body, what does that mean? It means that the water body's pollution load is more than the other water body. जिस water body की biological oxygen demand ज़्यादा है उसमें ज़्यादा pollution है। Chemical oxygen demand और ज़्यादा अच्छा matter है, right? Chemical oxygen demand measures the amount of oxygen in parts per million required to oxidize organic, that is biodegradable and non-biodegradable and oxidizable inorganic compounds in the water. अब नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम, in 2014, नमामि गंगे प्रोग्राम was launched as an integrated conservation mission to accomplish the twin objectives of effective abatement of pollution, conservation and rejuvenation of national river Ganga. ऑफ दी नेशनल रिवर गंगा। गंगा रिवर को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया था। और कौन सी फिश थी जिसको नेशनल फिश डिक्लेयर किया गया था? प्लीज आंसर। ईच डे मोर देन 500 मिलियन लीटर्स ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज आर डम्प्ड डायरेक्टली इनटू गंगा। इन मैनी प्लेसेस दिस वेस्ट वाटर एंटरिंग द रिवर इज कंप्लीटली रॉ एंड अनट्रीटेड। राइट, मेन पिलर्स ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम आर, नंबर वन, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, रिवर सरफेस क्लीनिंग, एफॉरेस्टेशन अराउंड रिवर गंगा, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स जो गंगा में डिस्चार्ज किए जाते हैं उनको मॉनिटर किया जाना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी अराउंड रिवर गंगा एंड इन रिवर गंगा, पब्लिक अवेयरनेस एंड गंगा ग्राम, गंगा विलेजेस। और इट्स इम्प्लीमेंटेशन हैज बीन डिवाइडेड इंटू entry level activities for immediate visible impact, medium term activities to be implemented within 5 years of time frame and long term activities to be implemented within 10 years. to namami gange ye aap thoda sa khud padhenge, ise pura padhenge in fact, aur acche se padhenge. download the pdf from www.jatinvarma.org. rupees 20000 crores previous plans mein around 1848 crore rupees kharch kare gaye the. Launched 155 new sewage treatment projects. पहले वालों में 35 sewage treatment projects लगाए गए थे 5 states में. What are the basin states of River Ganga? River Ganga किन किन states से होके गुजरती है ये भी आपको बताना है. National Mission for Clean Ganga, you have to read it yourselves. This is the today's topic for prelims. Every day, जैसा मैंने बताया है कि हर रोज हम prelims के लिए एक नहीं तो दूसरा topic कोई ना कोई deal करेंगे. तो दिस इज टुडेज टॉपिक फॉर प्रिलिम्स, नमामि गंगे, गंगा रिवर का प्रोटेक्शन या फिर क्लींजिंग।
तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा कुछ कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा कि आगे क्या क्या एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं डीएनए में और डीएनए के अलावा भी। सो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या है ये भी आपको बताना होगा। लॉकहीड टू डिलीवर 6 MH-60R कॉप्टर्स इन 2021। तो दिस न्यूज़ ऑल्सो वी हैड कवर्ड येस्टरडे। प्लीज़ बी रेगुलर विद द डेली न्यूज़ एनालिसिस। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो लोग प्रिलिम्स 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। ये न्यूज़ ऑलरेडी कवर हो चुकी है तो आई मे नॉट बी एबल टू गो इन टू द डिटेल ऑफ दिस न्यूज़। फाउंडेशनल अग्रीमेंट इंडिया और यूएसए ने क्या क्या साइन किए हैं आप ये बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में। वट ऑल फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स हैव बीन साइन बाई इंडिया एंड यूएसए। और ये एक अच्छा आर्टिकल था, वट इनसाइट हैज़ टोल्ड अस अबाउट मार्स सो फार। नासा से जुड़ा ये आर्टिकल, इसको कल एनालाइज करेंगे हम। तो ये था आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। कल फिर से मिलेंगे डीएनए के लिए 29th of February 2020, राइट। गाइज जो लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें, किस वे में करें अच्छे से, तो टॉपिक बेस्ड मैनर में डीएनए या फिर जो भी न्यूज़ सोर्स आप रेफ़र कर रहे थे, जैसे मेरी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है जतिन वर्मा आईएएस एकेडमी की, तो अब वो अन अकेडमी आर्टिकुलेट नाम से जो मैगज़ीन आती है, उस मैगज़ीन को कैसे होलिस्टिकली कवर करा जाए, जून 2019 के करंट अफेयर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ों के लिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस की थ्रेड बेयर कवरेज के लिए आप अन अकेडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सभी ऑडियो वीडियो कोर्सेज अन अकेडमी प्लस पे अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको कोड यूज़ करना है जतिन वर्मा 71, यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। क्लियर। पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इकोनॉमी कोर्स अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं तो इसीलिए, और पूरा साल जो डीएनए जैसे चलते रहता है एडिटोरियल एनालिसिस हम कई बार नहीं कर पाते, टॉपिक बेस्ड मैनर में न्यूज़ की क्लास डेली लगाने के लिए भी अगर आप 2021 के एस्पायरेंट हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन कोर्सेज को। क्लियर। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज एनालिसिस गाइज। आई होप यू वर एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इट। थैंक यू। बाय बाय गाइज़।